ओके तो कैन आई स्टार्ट? यस सर, ओके, इज इट विजिबल क्लियरली? यस सर, यूनिट टू। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग यूनिट टू ऑफ WTE, दैट इज इसका एक टॉपिक हम ले रहे हैं, दैट इज वेब कॉमर्स बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, थोड़ा बहुत ब्रीफ बताया था, अब मैं इसके बारे में डिटेल आपसे बात करूंगा इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट इस वेब कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो आपके सिलेबस में है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, सेकेंड इज बिजनेस टू बिजनेस B2B, थर्ड इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर दैट इज C2C, फोर्थ इज पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल, एम कॉमर्स बिजनेस मॉडल एंड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में अगर आप देखेंगे तो है फर्स्ट इज गवर्नमेंट टू कस्टमर, सेकेंड इज गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड थर्ड इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मॉडल्स हैं जो कि आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, तो एक एक करके हम इस मॉडल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो आप सभी को पता है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल क्या होता है। बेसिकली कि कोई भी बिजनेस, जैसे डेल है, तो डेल क्या करता है, डायरेक्टली हमको कंप्यूटर बेचता है, ठीक है, या लैपटॉप बेचता है, या जो भी डिवाइसेज हैं वो सेल करता है। तो उसको आप क्या करते हैं, ऑनलाइन, इसके लिए क्या होता है कि कंज्यूमर से जुड़ने के लिए आपको डायरेक्टली एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब से टेलीविजन आया तो टेलीविजन के थ्रू मार्केटिंग की जाने लगी, तो कस्टमर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाने लगा। ठीक है, पहले रेडियो के थ्रू मार्केटिंग होती थी, उसके बाद अब आप देखिए जब से इंटरनेट आ गया है तो इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है कस्टमर तक पहुंचने के लिए बिजनेसेस को। ठीक है, तो ये अगर B2C बिजनेस देखें तो ये टेलीविजन का सहारा लेकर के 1979 में स्टार्ट हुई थी, अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले इस मॉडल को समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो आज के टाइम में B2C कंज्यूमर, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर जो हमारी मार्केटिंग होती है, ठीक है, या ट्रेड होती है, ई कॉमर्स जो भी होता है, वो किस तरीके से होता है, तो ये देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और कस्टमर है, और इसके बीच में जो एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है वो क्या है, वेबसाइट। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, वेबसाइट क्रिएट करवाई। ठीक है, उस वेबसाइट में या ऐप में उसने अपने जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट लाइन है उसकी पूरी डिटेल, डिस्क्रिप्शन, कलर, शेप, साइज, डायमेंशन, ठीक है, एस्थेटिक्स, वो सारी चीजें जो भी उसके मतलब प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको डिफाइन किया, उसके प्राइस को डिफाइन किया, प्राइस को वो आप देखिए तो टाइम टू टाइम रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें वो इसमें वेबसाइट में अपने डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में जाता है, ठीक है, और ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जैसे ही ऑर्डर मिला तो उसने ऑर्डर प्रोसेस करना शुरू किया। तो ऑर्डर प्रोसेस किस बेसिस पर होता है, कैश ऑन डिलीवरी होगा तो ठीक है, कैश बाद में ले लिया जाएगा, अदरवाइज किसी ना किसी मीडियम के थ्रू पेमेंट करना होगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट नेट बैंकिंग या जो पेपाल है ना, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, पेमेंट जैसे ही रिसीव हो जाता है उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसकी सप्लाई शुरू कर देता है। सप्लाई क्या करता है, उसके लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल वेंडर होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पिक करके और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो दिस इज द मॉडल। ठीक है, तो इसको आप टाइम टू टाइम ट्रैक भी कर पाते हैं ई कॉमर्स में, तो दैट इज द फैसिलिटी। तो ये जो फैसिलिटी है ये ई कॉमर्स में इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट को एक मीडियम बना करके बिजनेसेस कंज्यूमर को सेल करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, कोई डाउट है? तो देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स और कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स कस्टमर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, परचेजिंग फिजिकल गुड्स और रिसीविंग प्रोडक्ट्स ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, तो कस्टमर के रिगार्डिंग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं मार्केटिंग चैनल के थ्रू, मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज के थ्रू। कस्टमर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और उसको आप क्या करते हैं, फिर फिजिकल जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं उनको आप क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, सर्विसेज है। बैंकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी डिलीवर किया जाता है, तो वो भी आपका प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज का एग्जाम्पल है। तो फिजिकल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों ही आप देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का यूज करके क्या किया जाता है, कंज्यूमर को सेल किया जाता है। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डेल सेलिंग मी अ लैपटॉप। ठीक है, तो ये क्या है, B2C का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज सभी आजकल क्या करते हैं,
डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट करते हुए और कंज्यूमर को कैप्चर करते हुए उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, तो उससे जो बीच के इंटरमीडियरी हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन बच जाते हैं। अब जैसे आप देखिए डोमिनोज, तो डोमिनोज ने क्या किया, अपना खुद का एक ऐप डेवलप कर लिया, ठीक है, आप प्ले स्टोर में जाइए और डोमिनोज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको अगर ऑर्डर करना होगा तो उस ऐप को आप खोलोगे, उसमें आप डायरेक्टली जो है जो भी आपका ऑर्डर उसको पिक करोगे और पिक करने के बाद आप जो है ऑर्डर कर दोगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो बीच के मिडल मैन थे उन सभी को उसने हटा दिया, इंटरमीडियरी जो है वो सारी खत्म कर दी, ठीक है, वो खुद ही आपको डायरेक्टली सेल कर रहा है कस्टमर को, दैट इज बी टू सी, ठीक है। इज इट क्लियर, कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट इज द टर्म बिजनेस टू कंज्यूमर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली बिटवीन कंज्यूमर्स हु आर द एंड यूजर्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, बीच की सारी इंटरमीडियरीज को हटा देते हैं, तो हु आर द एंड यूजर ऑफ प्रोडक्ट, किसको डायरेक्टली देते हैं, जो भी एंड यूजर है, कस्टमर है या कंज्यूमर है, ठीक है, डायरेक्टली उसको टारगेट करते हैं। मोस्ट कंपनीज दैट सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर कैन रिफर टू एज बी टू सी कंपनीज, और इस तरीके की कंपनीज बी टू सी कंपनीज कहलाती हैं। बी टू सी बिकेम इमेंसली पॉपुलर ड्यूरिंग द डॉट कॉम बूम ऑफ द लेट 1990 व्हेन इट वॉज मेनली यूज्ड टू रिफर टू ऑनलाइन रिटेलर्स हु सोल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो टर्म है बी टू सी, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर 1990 के बाद हुआ है, ठीक है, लेट 1990s में, क्योंकि इंडिया में आप देखिए तो 2000 के आसपास इंटरनेट आया है, ठीक है। तो और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो ये जो ई कॉमर्स का इमरजेंस हुआ है तो 1990 के बाद, आप देखिए लेट 1990 में जब डॉट कॉम बूम आया, बहुत सारी डॉट कॉम कंपनीज क्रिएट होने लगी, तब ये बी टू सी टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। अदरवाइज पहले जो क्या था, बी टू बी, और अभी भी आप देखिए तो बहुत सारा जो बिजनेस है, ठीक है, तो उनकी जो सेल या उनका जो मॉडल है वो बी टू बी ज्यादा रहता है। इवन आप भी एमबीए करने के बाद सबसे पहले बी टू बी ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए सीसीडी में अगर आपकी जॉब लगेगी तो सेल के लिए क्या बोला जाएगा कि ये जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, ठीक है, इनको आप सेल करके आइए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली किसको डील करना है, कॉर्पोरेट्स को डील करना है, ठीक है। और जनरली आप देखिए जो लोअर लेवल का काम माना जाता है बी टू सी की, डोर टू डोर जा करके सेलिंग करिए, ठीक है। तो अभी भी आप देखिए तो लगभग 70-80% बिजनेस जो है वो आपका बी टू बी है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, कस्टमर आपको कम टारगेट करने पड़ते हैं और जो मार्जिन है, रेवेन्यू है या डॉलर वैल्यू है या एक तरीके से कह सकते हैं मार्केट शेयर है, वो आपके पास ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बी टू बी टाइप का बिजनेस ज्यादा है, बी टू सी का कम है। लेकिन जब से ये ई कॉमर्स आया है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग होने लगी है, तो पिछले 10-15 सालों में इस फील्ड में काफी ग्रोथ देखी गई है। अब आप देखिए हर जगह पर, और जब से कोविड 19 पेंडेमिक आया तब से तो और ज्यादा है कि सभी को जहां पर कस्टमर डायरेक्टली चाहता है कि उसको जो है अपने घर पर डोर स्टेप पर जो है प्रोडक्ट मिले या सर्विसेज ऑफर हो, ठीक है। अभी आप देखिए ना अर्बन क्लैब का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अर्बन क्लैब क्या करता है, आपको अगर हेयर कट चाहिए, ठीक है, तो आपको घर पर आकर के वो हेयर कट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और मात्र 299 ऐसे कुछ है उनका, अगर दो लोगों की आप हेयर कट कराते हैं तो 500 का ऐसे 499 करके उनका जो है ऑफर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि वो आपके घर पर ही आकर के आपको सर्विस डिलीवर करके जाएंगे, ठीक है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ई कॉमर्स, ठीक है। तो अब बी टू सी में भी बिजनेसेस आने लगे हैं और लोग इवन बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं कंपनीज हैं, वो अब डायरेक्टली कस्टमर को सेल करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि बीच में जो मिडलमैन का मार्जिन है उसके थ्रू उसको कम करके वो क्या कर सकते हैं, कम प्राइस भी कोट कर सकते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ बी टू सी। तो लेट 1990s के बाद जब डॉट कॉम बूम स्टार्ट हुआ, तब से बी टू सी जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर इज अमंग द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली नोन ऑफ सेल्स मॉडल। जो बी टू सी मॉडल है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेल्स मॉडल है, ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ बी टू सी वॉज फर्स्ट यूटिलाइज्ड बाई माइकल एल्ड्रिच इन 1979। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था, माइकल एल्ड्रिच ने किया था 1979 पर,
एंड हु यूज्ड टेलीविजन एज अ प्राइमरी मीडियम. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये B2C के लिए आपको कोई ना कोई मीडियम की जरूरत है. जैसे आप रेडियो का इस्तेमाल करते थे पहले, ठीक है, आप अपने पुराने लोगों से पूछिएगा, वो लोग जब रेडियो में कमेंट्री सुना करते थे तो बीच बीच में ऐड आया करते थे हर ओवर के बाद. जैसे अभी टेलीविजन में ऐड आता है ना, उसी तरह से रेडियो में भी ऐड आता था, ठीक है. तो उस एड के थ्रू लोग फिर कनेक्ट कर पाते थे उस कंपनी का, मतलब एक ब्रांड इमेज बनती थी और मार्केट में जा करके जब लोग परचेज करते थे तो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट मांगते थे, ठीक है. तो B2C के लिए आपको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है. तो पहले रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था, फिर टेलीविजन का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर इसके बाद आप देखिए अब इंटरनेट का इस्तेमाल इसमें करते हैं. तो हु यूज्ड टेलीविजन एज ए प्राइमरी मीडियम टू रीच आउट द कंज्यूमर. नेक्स्ट इज B2C ट्रेडिशनली रिफर्स टू द मॉल शॉपिंग. जो आप मॉल में जाकर के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं ये भी B2C है, ठीक है, बिजनेस है जो कि आपको कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर रहा है. ईटिंग आउट एट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जाकर के आप डाइन इन या टेक अवे जो भी आप करते हैं, ठीक है, ऑर्डर अपना जो भी आप प्लेस करते हैं, तो दैट कम्स अंडर B2C कैटेगरी. पे पर व्यू मूवी, है ना, मूवी आप देखने जाते हैं तो जितनी बार भी आप मूवी देखने जाएंगे उतनी बार आपको पे करना पड़ेगा सिनेमा हॉल्स में, तो दैट इज ऑल्सो B2C. एंड इन्फॉर्मेशियल्स, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशियल्स आप आजकल आते हैं ना यूट्यूब में, आप देखिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं आपको, साथ में बीच में कॉमर्शियल्स भी दे रहे हैं, ठीक है. अगर आपको कॉमर्शियल नहीं चाहिए तो आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी जो सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पर होता है नेटफ्लिक्स में, ठीक है. नेटफ्लिक्स अगर आपको व्यू करना है तो उसके लिए आप जो है कुछ पे करते हैं, ठीक है. ये आपका हॉटस्टार ऐप है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आप, ये आपका स्पॉटिफाई है, अगर आपको सॉन्ग सुनना है और बीच में चाहिए कि उसमें ऐड ना आए तो उसके लिए आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, B2C. हाउएवर द राइज ऑफ इंटरनेट क्रिएटेड अ होल न्यू B2C चैनल इन द फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है. और जब से मैंने बताया कि इंटरनेट आया है तब से आप इस फील्ड में काफ़ी ग्रोथ देखेंगे, ठीक है. इवन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जो रिटेल कंपनी वॉलमार्ट हुआ करती थी वर्ल्ड के नंबर वन रिटेलर, ठीक है, अभी आजकल जो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है वो कौन सी है, अमेजन है, ठीक है. तो वो रिटेलर भी है और इंटरनेट का यूज कर रही है, ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके वो जो है नंबर वन कंपनी हो गई, ठीक है. तो वो भी B2C मॉडल पर ही चल रही है, ठीक है. तो B2C आपको रेवेन्यू तो देता है, लेकिन अगर सेफ सेल के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज B2B प्रेफर करती हैं. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई ट्रांसफार्मर कंपनी है तो वो क्या करेगी, उसके लिए उसको जो एल्यूमिनियम सीट्स हैं वो चाहिए, ठीक है, और जो क्या कहते हैं आपका स्टेनलेस स्टील की चादर वो चाहिए, ठीक है, कॉपर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें किससे लेगा, बिजनेसेस से लेगा, ठीक है. तो जनरली जो एंसिलरी यूनिट से आप प्रोडक्ट लेते हैं, कार है मोर देन 30,000 कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है, तो वो 30,000 जो कंपोनेंट है उनके जो सप्लायर्स होंगे तो उनके बीच में जो सेलिंग चल रही है वो क्या कहलाएगी, B2B, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस इस पर इसलिए होता है क्योंकि वो सेफ है ना. बहुत ज़्यादा लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते हैं, वो इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं. लेकिन अब आजकल जब से इंटरनेट आ गया है तब से B2C का आप देखिए, तो अब जैसे आपने इंडिया में भी देखा है ना कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बूम पर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे सर्विस सेक्टर जो है हमारा GDP में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर हो गया. तो इसी तरह से अभी जैसे B2B हुआ करता है 70-80%, जैसे मैंने बताया कि B2B का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आगे आने वाले टाइम में B2C का कॉन्ट्रीब्यूशन B2B से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. इज इट क्लियर, कोई डाउट है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, इज इट क्लियर, कोई डाउट है, ओके. ऑल्दो मैनी B2C कंपनीज फेल विक्टिम टू द सब्सिक्वेंट .com बस्ट एज इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन द सेक्टर dwindled and venture capital funding dried up, ठीक है. ये उस समय की बात कर रहे हैं जब वो .com burst हुआ था, ठीक है, बहुत सारी companies, लेकिन ये आप देखिए तो वो जो .com burst हुआ था वो इस वजह से हुआ था, बहुत सारी companies ने बहुत सारे websites और बहुत सारे app, तो app उस समय नहीं होते थे, websites launch कर दी थी, ठीक है, और क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाए तो वो जो है आउटडेटेड होते गए मार्केट से, है ना, obsolete होते गए, रिमूव हो गए, ठीक है. तो अब उन पर जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, अभी आजकल देखिए इसी तरह से ऐप की भी हालत हो गई है ना, हर कंपनी अपना ऐप जो है क्रिएट कर रही है और वो प्ले स्टोर में डलवा रही है,
लेकिन कितने सारे आप देखिए, बहुत सारे इसमें अच्छे ऐप भी हैं जो कि आपको पता भी नहीं है और वो भी जो है रन कर रहे हैं, और पता चला कि धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट भी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से वेबसाइट के केस में भी हुआ था। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ही प्लेयर्स होते हैं। अब जैसे देखिए, B2C लीडर्स सच एज अमेजन, प्राइस लाइन सर्वाइव्ड द स्टेक आउट एंड हैव सिंस सीन द ग्रेट सक्सेस, है ना। तो इसमें जिसने क्वालिटी मेंटेन कर ली, ठीक है, सारे पैरामीटर्स जो भी हैं बिजनेसेस के, इस तरीके के बिजनेस के जो भी मॉडल के हैं, ठीक है, उन सारे पैरामीटर को कंसीडर करते हुए जिसने काम कर लिया, वो जो है मार्केट में लीडर हो गया। ठीक है, तो यही .com बस्ट इस टाइम की ये कंपनी है अमेजन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कंपनी पहले बुक्स में डील किया करती थी, और अब आप देखिए आज के टाइम में ये जो है बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब भी अब आपके डोर स्टेप पर आपको जो है डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, तो ये सब कंपनीज हैं जो कि B2C लीडर अब हैं इस समय आज के टाइम में। तो ये अमेजन उस टाइम की है जब .com बस्ट हुआ था, और अभी आप देखिए तो आज के टाइम में भी वो सक्सेसफुल है। तो वो उस टाइम से निकल करके बाहर आई है, इमर्ज हो करके बाहर आई है। ठीक है, एनी बिजनेस दैट रिलाइज ऑन B2C सेल मस्ट मेंटेन गुड रिलेशंस विद देयर कस्टमर्स टू एंश्योर दे रिटर्न। अनलाइक बिजनेस टू बिजनेस हुज मार्केटिंग कैंपेन्स आर गियर टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, कंपनीज दैट रिलाई ऑन B2C मस्ट इलिसिट एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू दियर मार्केटिंग इन दियर कस्टमर्स। ठीक है, अब B2C में सबसे बड़ा जो रीजन है इसके सक्सेसफुल होने का, वो ये है कि आपको कस्टमर के साथ जो है रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, उनके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब वो सोशल मीडिया पर मैं प्रिकॉशंस बता रहा था, तो उसमें मैंने कहा था ना कि कस्टमर मान लीजिए कोई क्वेरी करता है ना, या कोई रिव्यू देता है, और आपने उस पर अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, तो कस्टमर क्या समझेगा कि आप जो है लेथार्जिक हैं, आप जो है कस्टमर की जो क्वेरी है उसको आप सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। अभी आजकल आप ऐड देख रहे हैं ना एयरटेल का, जीरो क्वेरी है ना, जीरो कंप्लेंट, वो वाला ऐड नहीं देख रहे हैं कि जगह जगह उन्होंने मीटर लगाया हुआ है कि हमारे जो सिस्टम में कितनी कंप्लेंट आ रही है, इनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इनको रिकॉर्ड करते हुए हम एक टाइम आएगा जब हम इसको जीरो कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कस्टमर में एक पॉजिटिव इमेज छोड़ता है। ठीक है, मीन्स आप कस्टमर के जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, कस्टमर के जो भी आप रिव्यूज हैं, जो कमेंट्स हैं, जो फीडबैक हैं, उनको आप कितना सिंसियरली कंसीडर करते हो। ठीक है, कस्टमर की जो वॉइस ऑफ कस्टमर है उसको आप कितना सिंसियरली कंसीडर करते हो, जो कस्टमर की नीड या रिक्वायरमेंट है उसको आप कितना सिंसियरली कंसीडर करते हो, इस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। ठीक है, तो एनी बिजनेस दैट रिलाइज ऑन B2B सेल्स मस्ट मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर टू इंश्योर दे रिटर्न। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपके रिलेशनशिप कस्टमर के साथ वो स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, जो कनेक्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, अनलाइक बिजनेस टू बिजनेस हुज मार्केटिंग कैंपेन्स आर गियर टू डेमोन्स्ट्रेट। अब B2B में क्या होता है कि देखिए, आपको बिजनेस टू बिजनेस में आप क्या करते हैं, जैसे आपने कोई मशीन बनाई, तो मशीन बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप जाते हैं दूसरे कॉरपोरेट हाउस में जिस जो भी आपके टारगेट कस्टमर होते हैं, और वहां पर जाकर के अपनी मशीन का डेमो देते हैं। ठीक है, या जैसे मान लीजिए आपने कोई ERP का मॉड्यूल बनाया, तो मॉड्यूल बनाने के बाद आपने मान लीजिए एकेडमिक्स के लिए बनाया, तो एकेडमिक्स में आप इंस्टीट्यूशन में जाकर के वो दिखाओगे ना कि ये देखिए मैंने एकेडमिक्स के लिए जो मॉड्यूल बनाया है, ये बाकी बाकी के जो ERP सोल्यूशन है उनसे किस तरीके से बेहतर है। ठीक है, इसके लिए आप जो है उनको डेमो दोगे, डेमो देने के बाद कुछ दिन के लिए उनको आप ट्रायल के लिए 15 दिन 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस मॉड्यूल को दोगे, और उसके बाद फिर आप कहोगे कि अब आपसे हम चार्ज लेंगे। ठीक है, तो जो B2B की सेलिंग है या सेल्स है वो एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, जो सेल्स प्रैक्टिसेस B2C में अप्लाई की जाती हैं, B2C में क्या है कि कस्टमर आपके साथ कितना कनेक्टेड है। ठीक है, कस्टमर आपको जो है कितना इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, कितना आपके साथ कनेक्टेड है, कितना आप जो है उसके रिव्यू को प्रेफरेंस देते हैं। अब देखिए, मारुति के प्रोडक्ट आप क्यों सेल करते हैं, वो क्यों परचेज करते हैं, इसलिए परचेज करते हैं ना कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी भी गांव देहात या कहीं पर भी अगर मैं फंस जाऊं, तो वहां पर आपको जो है मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, नहीं तो मारुति का जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको ठीक करने के लिए जो
एक तरीके से कह सकते हैं जो मैकेनिक वगैरह है वो इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो B2C इसलिए आप मारुति प्रेफर करते हैं। आप धीरे धीरे आप देखिए हुंडई और बाकी के जो ब्रांड्स हैं वो भी अपने सर्विस सेंटर स्टेब्लिश करने लगे हैं, ठीक है। डैटसन कंपनी है, उसने भी अपने सर्विस, तो अब वो लोग भी इस पर आने लगे हैं। क्यों आने लगे हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा सर्विस आप जो है कस्टमर को दे पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो मतलब एक तरीके से आप देखें तो B2C की जो सेल्स स्ट्रैटेजी है दैट इज एंटायरली डिफरेंट टू द B2B सेल्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक ही सेल्स स्ट्रैटेजी आप जो है दोनों ही तरीके के मॉडल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? नो सर। नाउ नेक्स्ट इज B2C बिजनेस मॉडल इन द डिजिटल वर्ल्ड। अब देखिए जो बिजनेस मॉडल आज के टाइम में अप्लाई किए जा रहे हैं ई कॉमर्स में वो कौन कौन से हैं, तो देयर आर टिपिकली फाइव टाइप्स ऑफ ऑनलाइन B2C बिजनेस मॉडल्स दैट मोस्ट कंपनी यूज ऑनलाइन टू टारगेट द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट सेलर्स। डायरेक्ट सेलर्स में क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन मॉडल इन विच पीपल बाई गुड्स फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि डोमिनोज है। डोमिनोज क्या करता है? अब उसने अपना ऐप बना दिया, ठीक है, अपनी वेबसाइट बना दी और उसके थ्रू वो जो है ऑर्डर लेता है और उसके बाद विद इन 30 मिनट या विद इन 45 मिनट जो है आपके पास ऑर्डर पहुंच जाता है, ठीक है। तो दैट इज वॉट डायरेक्ट सेलर, ठीक है। तो दीज मे इंक्लूड मैन्युफैक्चरर और स्मॉल बिजनेसेस और सिंपली ऑनलाइन वर्जन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर दैट सेल्स प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो डायरेक्टली कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, या सिंपल कोई ऑनलाइन वर्जन में जो मान लीजिए जैसे बैंक है, बैंक क्या करता है? पॉलिसी सेल करता है, ठीक है। तो ऑनलाइन पॉलिसी सेल करता है ना, HDFC देखिए, क्लिक टू प्रोटेक्ट और बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं, है ना, LIC है, वो अपनी पॉलिसी सेल करता है। तो आप कहीं, आपको कहीं पर भी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन आप अगर कोटक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो भी घर से खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट सेलर्स है, ठीक है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके डायरेक्टली अपना जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज है जो या जो भी ऑफरिंग्स हैं वो कस्टमर को, ठीक है। ऑफरिंग वर्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करती है ना कंपनीज, ठीक है। तो डायरेक्टली वो कस्टमर को दे सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन इंटरमीडियरीज। अब ऑनलाइन इंटरमीडियरीज क्या होता है? दीज आर लाइसेंस और गो बिटवीन हु डोंट एक्चुअली ओन प्रोडक्ट और सर्विस दैट पुट बायर्स और सेलर टुगेदर। साइट्स लाइक एक्सपीडिया, ट्रिवागो, इट्सी फॉल्स इन टू दिस कैटेगरी। इसमें आप ओला, उबेर, ठीक है, ओयो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ऑनलाइन इंटरमीडरी हैं। इंटरमीडरी आप कहते हैं ना, ओला या उबेर बिना एक भी कार रखे भी वो क्या कर रही हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसे बिजनेसेस हैं। ओयो एक भी होटल ओन नहीं करता है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो जो है आपको होटल में रूम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑनलाइन इंटरमीडरी हैं। इंटरमीडियरी मीन्स एक तरीके का कह सकते हैं ये, वो IT पार्ट सारा मैनेज करते हैं, ठीक है। जो ऑर्डर कस्टमर को ऑर्डर देना होगा वो ऑर्डर ऑनलाइन दे सकता है, ठीक है। और वो क्या करेंगे? वो GPS के थ्रू उस एरिया के होटल को कनेक्ट करके और वो उसको आपको जो सप्लायर है उसको डायरेक्ट कस्टमर से मिलवा देंगे। तो ये ऑनलाइन इंटरमीडियरी हैं जो कि काम करते हैं। तो इस तरीके का मॉडल भी B2C में आजकल अप्लाई होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये ओला, उबेर, एक्सपीडिया, ट्रिवागो, इट्सी, ठीक है, ओयो, ये सब आप इसके एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग बेस्ड B2C, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग बेस्ड B2C क्या है? दिस मॉडल यूजेस फ्री कंटेंट टू गेट विजिटर टू अ वेबसाइट। Those visitors in turn come across digital or online ads. Basically, large volume of web traffic are used to sell advertising which sells goods and services. अब आजकल क्या होता है? ऑनलाइन एड्स आते हैं, ठीक है, और एड्स भी जैसे आपने मान लीजिए आलोक सिंह के नाम से लॉग इन किया है ना, तो आलोक सिंह उनका जो भी डिटेल है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी आलोक सिंह को ऐड दिखाए जाएंगे वो उन्हीं से रिलेटेड दिखाए जाएंगे, ठीक है। या मैंने कहा कि मैंने एक वेबसाइट पे जा करके मैंने सर्च कर लिया कि मुझे होटल इन जयपुर चाहिए, तो
तो होटल इन जयपुर जैसे ही मैंने सर्च किया तो जितनी भी आपकी होटल साइट्स हैं वो अपने अपने ऐड आपके, जैसे आपने फेसबुक खोला तो उसमें एड्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि वाई नॉट यू चेक दिस डील, ठीक है। तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग बेस्ड B2C है, ठीक है, जो कि आप देखिए तो एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके और वो जो है सेगमेंटेड एड्स दिखाते हैं आपको, तो दैट इज एडवर्टाइजिंग बेस्ड B2C, इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज कम्युनिटी बेस्ड, जैसे साइट्स लाइक फेसबुक विच बिल्ड्स ऑनलाइन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट हेल्प मार्केटर्स एंड एडवर्टाइजर्स प्रमोट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर एंड वेबसाइट विल टारगेट एड्स बेस्ड ऑन यूजर्स डेमोग्राफिक्स एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। अब ये फेसबुक है, ठीक है, या आप ये ट्विटर ले लीजिए, आपका ये जो व्हाट्सएप है, तो इसमें भी अब आजकल मार्केटिंग होती है, तो किस तरीके से होती है, ठीक है। आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से जो भी ऐड आएंगे वो आपको दिखाए जाएंगे, तो आपकी डेमोग्राफिक के बेस पर, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर वो जो है आपको एड पुट करेंगे, ठीक है। तो सेगमेंटेड एड, टारगेटेड एड, ये आजकल जब गूगल एनालिटिक्स और ये डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ये कंपनी जब टारगेटेड एड फ्लोट करने लगे हैं, तो ये कम्युनिटी बेस्ड भी आप देखिए तो ये मॉडल भी चलता है B2C का। एंड लास्ट इज फी बेस्ड, ठीक है। फी बेस्ड क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, आपका ये हॉटस्टार ऐप है और भी बहुत सारे, स्पॉटिफाई है, ठीक है। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर साइट्स लाइक नेटफ्लिक्स चार्ज अ फी सो कंज्यूमर्स कैन एक्सेस देयर कंटेंट, ठीक है। अब आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर अब आप देखिए मूवीज भी रिलीज हो रही हैं, ठीक है, तो क्यों रिलीज हो रही हैं, क्योंकि फीस जो है वो कस्टमर से चार्ज कर चुके हैं, अब कस्टमर जो है उस कंटेंट को एक्सेस कर सकता है, और वो जो आप देखिए कस्टमर से एक मतलब लार्ज कस्टमर बेस है, और उससे अगर थोड़ा थोड़ा भी चार्ज करेंगे तो इनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है, और ये जो है उसको पे कर सकते हैं, और बीच में ऐड भी दिखा सकते हैं, तो जो ऐड से भी पैसा आता है वो भी वो उनको पे कर सकते हैं। तो जो हम मॉल पे जाकर के, PVR में जाकर के जो मूवी देखते थे, ठीक है, अब हम वो घर पे बैठे घर बैठ करके भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इवन जो भी आपके पास डिवाइस है, अगर आपके पास फोन है तो आप फोन में देख सकते हैं, लैपटॉप है लैपटॉप में देख सकते हैं, अगर टेलीविजन है तो टेलीविजन में देख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप होम थिएटर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज फी बेस्ड मॉडल, तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर साइट्स लाइक नेटफ्लिक्स चार्ज अ फी सो दैट कंज्यूमर कैन एक्सेस देयर कंटेंट, ठीक है। यूट्यूब है, अगर आप चाहते हैं कि एड फ्री कंटेंट आए तो आप उसके लिए पे कर सकते हैं। द साइट मे ऑल्सो ऑफर फ्री बट लिमिटेड कंटेंट वाइल चार्जिंग फॉर मोस्ट ऑफ इट, है ना। और आजकल जो जर्नल्स के सब्सक्रिप्शन है वो भी आप देखिए तो एब्स्ट्रैक्ट दिखाते हैं, और अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट पसंद आया है तो आप क्या करते हैं, उसको जो उसका पेड वर्जन है उस पर आप सब्सक्राइब करके, उस जर्नल को सब्सक्राइब करके आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। किंडल वर्जन जिसमें आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है फी बेस्ड B2C मॉडल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द B2C मॉडल। कोई डाउट है इसमें, कोई प्रॉब्लम?